हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। तो आज बहुत धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है हमारा। तो आज है मेरे अनमोल का बर्थडे, तो आज बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा, तो आपको भी दिखाएंगे सेलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। तो मैं कर रही हूँ काम वाम, क्योंकि मेरे को काम बहुत है। आज मेरा बिजी शेड्यूल है, आज मैं पूरे दिन बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि बीच बीच में देखती रहूँगी मैं, आपको अपडेट देती रहूँगी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है खाने पीने की। खाने पीने में क्योंकि आज फ्राइडे के दिन हम नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो आज वेज खाना बनेगा, तो मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले, चावल और पूड़ियाँ। तो चलिए तो करते हैं घर का काम वाम, तो फिर मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर बाद में। देखिए आज मालकी दीदी हमारे घर आए हैं, हमारे घर मेहमान आए हैं, उनकी मशीन ख़राब हो गई, हाइड्रो मशीन ख़राब हो गई है, तो इसलिए कपड़े हाइड्रो करने आए हैं। चलो इसी बहाने आ तो गई हमारे घर, नहीं तो आती नहीं है। हाथ धो ली हूँ, रेडी हो गई एकदम, और मैंने पूजा भी कर ली है माँ संतोषी की, संतोषी माता की जय। और मेरे सारे घर का काम हो चुका है एकदम डन, और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, और मैंने ये देख लिए पतीले भी निकलवा लिए पापा से, ताकि मैं सब्जी बना सकूं। तो अभी मेरे को थोड़ा मार्केट का काम है, तो मैं थोड़ा सा सब्जी लेकर आ रही, पनीर वगैरह। तो अभी मैं लाली को लेके जाऊंगी, और ताकि सारा सामान एक साथ आ जाए, मुझे दोबारा बार बार ना जाना पड़े, तो इसलिए मैं उसको लेके जाऊंगी, ताकि एक ही बार में सारा सामान आ जाए। और फिर मैं तैयारी कर दूँगी, मसाला वगैरह काटूंगी, फिर मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दूंगी, ताकि सब्ज़ी दोनों बन जाए, तो फिर कोई काम नहीं रहेगा ज़्यादा, फिर तो पूड़ियाँ बनानी रह जाएगी। और चावल बनाऊँगी मैं शाम के टाइम, ताकि गर्म रहे, क्योंकि चावल ठंडे अच्छे नहीं लगते। और ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार, शाम को देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है, स्किप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे बच्चे की बहुत ये खुशी है, अरमान है कि मेरा बर्थडे ऐसे मनाए, हम उसकी खुशी के मुताबिक चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी उसकी खुशी में शामिल होइएगा, और उसे आशीर्वाद दीजिएगा बहुत सारा, कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र, मेरे बच्चे, आप लोग बस उसको आशीर्वाद दीजिएगा, बस मेरे लिए यही बहुत है। देखिए मैंने अपने लिए दो फुलके बना लिए नाश्ते के लिए, मूली की भुजिया, रोटी, और मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो फिर मैं लग जाऊँगी मार्केट से आके खाने पकाने में, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है, खाना खाने का भी आज टाइम नहीं सच में मेरे पास आज, इसलिए मैंने बना लिया, क्योंकि बच्चे भी है नहीं, और वो आएंगे तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुराग तंग करते ही आपको पता है। तो अब तो मेरा फटाफट कर ही लिया, बस अब रह जाएगा मेरा काम मार्केट से, और फिर मैं खाने पकाने पर लग जाऊँगी अभी से, ताकि मैं शाम तक निपट जाए, ताकि आराम से बैठ भी सकूँ। तो चलिए तो करते हैं नाश्ता, फिर लगते हैं अपने काम पे। A few moments later. अब इसे लेके जाऊंगी मैं मार्केट, और ये देखिए हमारा सामान भी आ गया है, तो चलिए तो चलते हैं मार्केट, इसको अब कुली बना के लेके जाऊंगी आज मैं। चलो चलो जल्दी आओ। देखिए हमने तेल ले लिया है, अब देखिए चलते पनीर ले लिया हम। ऑयल ले लिया है हमने, अब लेंगे हम पनीर और मटर। देखिए भैया पनीर, पनीर क्या भाव है? 240। दो किलो लेना भाई, पनीर फ्रेश होना चाहिए, दिखा दो। एक किलो मटर कर दो, दो। सो की कितनी? 800 बस। अब क्या करें? अब
पापा जी लगा रहे हैं भट्टी। इससे इससे जो हाथ जला देगा ये, और यूं करो चुक चुक से लपटे मार देगी हाथ पे। किल्ली जलाओ, ऐसा रखो और ये ऐसे बन, ऐसे मंदा हो, तेज होगा, इधर को घुमाएगी ना नोब को ऊपर से, इधर को तेज होगा, यूं करोगे तो मंदा होगा। अब जलाना बंद कर लूं? पर जला तो बस मैं रख रही हूं पतीला, इधर को घुमाएगी मंदिर की तरफ ऊपर से तो तेज होगा, और ऊपर ऊपर की तरफ से इधर घुमाएगी तो तेज होगा, और इधर घुमाएगी तो कम बंद हो जाएगा। ले पकड़ रहे तो वहाँ से ना पटरा साफ करके लाऊँ, वहाँ पर गंदे कपड़े के गए। मैंने सब्जी चढ़ा दी है, मसाला भून रहा है अभी, और देखिए मैं सारा लेके ये देखिए आज मौज मार रहा है अनुराग, और ये देखिए बन रहा है खाना, और ग्रेवी सब्जी मटर पनीर की सब्जी। देखिएगा मेरे खाना में सब चढ़ा दिया है, और इसके गप्पा भी लगेगा सब्जी बनाने में, तो मैं सोच रही पहले सब्जी बना कर रखूँ, और चावल में हैंड टू हैंड बनाऊँ ताकि गर्म रहे चावल, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, ठंड चर्बी पड़ने लगी है, तो इसलिए चावल बनाऊँ सबसे लास्ट में, तो मैंने दोनों सब्जी बना कर रख दूँगी, फिर मैं आटा गूंथ के रख दूँगी। देखो गाइस कितना सामान रखा है, और मैं स्कूल से आके ज़रा काम में लग गया था, लोग में नहीं आया अभी थोड़ी देर में। ये देखिए लाली और अनमोल काट रहे हैं पनीर, उनसे ज़्यादा थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो गई, इसकी चौड़ाई कम कर रहा हूँ। मम्मी आटा छान रही है, इधर ये और आटा है, और लाली दीदी बर्तन को धो रही है, और सब्जी बन चुकी है मटर पनीर की। आराम से ध्यान से भाई, कुछ जल्दी नहीं है मैं। ये देखो अच्छे से नहीं दिखेगी जिसमें फोन में, बहुत सुंदर। और छोले की सब्जी दिखाता हूँ, छोले की तो अभी बनी है, लाइट जला लो दो मिनट। ये देखो छोले की सब्जी, तो देखिए गाइस मैं इसमें आटा गूंथ रही ताकि एक ही बार सारा आटा गूंथ जाए, बड़े पतीले में आटा गूंथ के रख दूंगी, तब मैं इसमें चावल छोक दूंगी, जीरा राइस, और फिर काम हमारे पास पूरी बनाने का रह जाएगा, फिर जब कोई आएगा तो फिर हम फटाफट बनाते रहेंगे ताकि हमारा बर्थडे का काम हम इंजॉय कर सकें। तो देखिए गाइस आज हो रहा बहुत तगड़ा काम, मैं अब भी काम में लगा हुआ हूँ, डैडी निको है गए एक काम से, और मैं अभी दाग सा जा रहा हूँ छत पे, थोड़ा सा वहाँ काम है, और मुझे थोड़ा सा साफ सफाई करनी, डेकोरेशन का, डेकोरेशन भी है, थोड़ी सी साफ सफाई भी, तो आपको जब मिलते जब हम ये चीज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर का भी दिखाऊंगा। आ चुकी है और खुशी भी आ चुकी है, कितनी बालियाँ बैठी है, अब हम बनाएंगे पूरियाँ। हाँ ये रहा निक्कू, ये मेरा भतीजा है, पता है छोटे वाले भाई का बड़ा बेटा, हाँ ये छोटे भाई का बड़ा बेटा, अभी एक और आएगा थोड़ा लेट आएगा। और ये देखिए कान्हा जी भी आए आज नई ड्रेस पहन के बर्थडे में, छोटे वाले हो रहे, छोटे वाले भी हैं, ये देखिए छोटे वाले ठंड हो रही है, ये देखिए ये हमारी छत सज चुकी है, यहाँ भी थोड़ा काम चल रहा है, और हमारा अंकित भाई आ चुका है डैग लेके, देव चाहते निको भाई हम सब ने।
इनके ऐसे ही डैक आ पाए ऊपर, वरना नहीं आ पाते। आगे कर लो थोड़ा सा। को भाई और पापू भी आ चुके हैं, पापू ने भी थोड़ी हेल्प कराई है। और ये हमारा ये है, ये सब लगेगा फिर दिखाऊंगा। मैं पहले नहा के आऊं। नाच के दिखाइएगा, चलवा रहा हूँ कॉलम, ठीक है? दोनों नाचना। कौन आ रहा है? नहीं आ रहा, आ रहा है?
नीचे यार, अनमोल चम्मच यार नीचे रखे, रुक जा मैं चम्मच ले गाऊ। माचिस मेरे पास नहीं है भाई, मेरी जेब में लिखती रहे फोन के उल्टे सीधे काम करे तू यार बदलना चाहे नैनो के जादू से लेगी तू बसा, बोतल से ज्यादा है तुझ में later भाभी देखो भाई जब आते रहेंगे तुम खाना खाते रहेंगे शांति से तो मैं वो ही लेने आएंगे हां भाई वहां लेने तो वो आएंगे कार्तिक में वो अनिकेत मेरे साथ खाने वाले हैं दादी उसके वहां तक के लिए कौन सी लाइन जाएगी कौन सी ए हाय करो दोनों के दोनों ए नाली बेटा गिलास लेके आओ भैया के बनो मेरे मत बता दादा चढ़के चढ़के कसने मैंने बस ले यहीं तो पावर ही चली गई तो शिफ्ट लाइट चली गई क्या लाइट गई आ गई।
बहुत नाचे हम। बोल तो भाई, अभी चाचा कह रहे कि सब चलेंगे, अभी आना कोई बेटा। चलो भाई, तुम दोनों वहां करो, मर जाओ। तुम दोनों अरे रुक जा, अब बोल भाई। भाई भाई भाई, ओ भाई अनिकेत, उधर देख, उधर देख। एक दो तीन, जय बाबा। अब बनिए एक दो तीन चार। ले लो फोटो वोटो बना लो। मैंने बर्तन वर्तन धो दिए, रात के बज रहे हैं 12:30। ये देखिए सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं, पतीले वगैरह सब। और अनमोल के पापा देखिए झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, घर संगवा रहे हैं, तो हम दोनों जने लगे पड़े हैं। देखिए सारा घर संगवा रहे हैं। आई हूँ संग लगते हैं, फिर करवाते हैं। और दादा के लिए आज देखिए गाइस अनबॉक्सिंग हो रही है गिफ्ट की। खोलूंगा भी भाई, ये सारे मैं खोलूंगा। ये देखिए हैप्पी बर्थडे का, ये देखिए एक कप दिया है, बहुत सुंदर है। ये मेरे दोस्त आयुष कुमार ने दिया है। थैंक यू बोलो। थैंक यू फ्रॉम दिस गिफ्ट मेरे भाई।